नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो राजस्थान की जो सीए जो कि आंसर की आने के बाद दोस्तों कट ऑफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपका जो आ सकता है, तो ये कट ऑफ में थोड़ा पिछले से थोड़ी कम रह सकती है दोस्तों। उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसी के साथ बात करूंगा आपका जो रिजल्ट है वो किस दिन आएगा, कितने परसेंट पर आप सेफ जोन में हैं दोस्तों, कितनी परसेंट आपकी मिनिमम होनी चाहिए सेफ जोन के लिए। तो सभी की जो कैटेगरी कट ऑफ बताने वाला हूँ, जनरल OBC ST EWS URMBC सभी की जो कट ऑफ है आपको इस वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आपको राजस्थान CHO की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करूँ आपकी जो वैकेंसियों की, तो वैकेंसी आपकी जो शुरुआत में निकाली गई थी वो 6310 वैकेंसी निकाली गई थी। इसके बाद इसमें 1500 वैकेंसी और इसमें ऐड की गई। इसके बाद जो टोटल वैकेंसी होगी वो 7810 यहाँ पे वैकेंसियों पर आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित कराई गई थी दोस्तों। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद थोड़ा कट ऑफ में अंतर यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो 100 क्वेश्चन आए थे और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 100 क्वेश्चन हल किए हैं, बहुत सारे 90 हल किए हैं, जिनमें से कि 20 क्वेश्चन अलग गलत जा रहे हैं, किसी के 10 गलत क्वेश्चन गलत हैं या किसी के 30 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हैं। तो कट ऑफ स्वभाव की बात है वो कम रहने वाली है। तो बात करूँगा जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों वो आपकी 75 या 73 से आप मान के चलिए, आपकी जो 78 तक हाईएस्ट जा सकती है, इससे अधिक आपकी जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि 85 आएगी, तो 85 आपकी जो कट ऑफ है नहीं जाएगी। बात करूँ OBC की, तो OBC की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो आपकी 65 से 75 या 73 के मध्य यहाँ पे OBC की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। और बात करूँ SC की, तो SC की जो कट ऑफ रहेगी वो 63 से 65 के मध्य यहाँ पे OBC की जो कट ऑफ है वो रहेगी। और ST की बात करूँ तो ST की जो सबसे कट ऑफ कम रहने वाली है वो 55 से आपकी 61 या 62% तक आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से सेफ जोन में हैं दोस्तों। इसमें आपकी 2% कम भी हो सकती है या -2% इसमें हो सकती है। तो ये जो आपको कट ऑफ बताया दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ वो आपको 2 नंबर का ही इसमें अंतर देखने को मिलेगा। EWS की बात करूँ तो EWS की जो कट ऑफ रहेगी वो 66 से 69 के मध्य यहाँ पे EWS की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। UR की बात करूँ दोस्तों तो UR की जो कट ऑफ रहेगी वो 67 से 65 के मध्य यहाँ पे UR की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। और आपके जो रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों तो रिजल्ट आपका दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा या कोई भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके 55 से 75 के मध्य नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में दोस्तों, आराम से आपके आने के चांस हैं। तो जैसे ही आपकी CHO की ऑफिशियली जो कट ऑफ जारी की जाएगी या फिर जो CHO संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।